हाय गाइस, मैं नविता हूँ और मैं आज यहाँ डॉक्टर रश्मि शेट्टी के साथ बात करना चाहती हूँ कि हम कैसे हेल्दी और ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं। तो डॉक्टर, आपकी एक्सपर्ट टिप क्या है? तुमने बिल्कुल सही कहा, ये बात है हेल्दी ग्लोइंग स्किन की। तो जो बाहर से दमकता हुआ दिखाई देता है वो भीतर से आता है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप खुश रहें, हेल्दी रहें, एक्सरसाइज करें और अपनी डाइट सही रखें। पर आप बाहर से क्या कर सकती हैं? दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं। पहले ये कि स्किन को साफ रखें और इसे अच्छा पोषण दें। जब आप क्लींजर चुन रही हो तो ऐसा चुनें जो जेल बेस्ड हो, क्योंकि यह स्किन को अंदर से साफ करता है। ये आपके चेहरे से धूल मिट्टी वगैरह को दूर करता है। चेहरे को दिन में दो बार क्लेंज करना बहुत जरूरी है। दूसरी सिंपल लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट चीज है एक अच्छी नरिशन क्रीम। इसमें विटामिन B3, C और E होना चाहिए। ये तीनों इंग्रेडिएंट्स एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और आपकी स्किन को खिला खिला बनाते हैं। तो जब आप अपने लिए सही प्रोडक्ट्स चुन लें, ये बहुत जरूरी है कि आप उन्हें रेगुलरली अप्लाई करें और पूरे साल यूज करती रहें। अच्छे प्रोडक्ट्स आपकी त्वचा को नर्म और मुलायम बनाते हैं और चिपचिपा बिल्कुल नहीं बनाते। थैंक यू डॉक्टर। मैंने डॉक्टर रश्मि शेट्टी की सलाह को माना और मैं रोजाना अपना चेहरा इस नए बहुत अच्छे से प्रोडक्ट से धोती रही, जिसका नाम है पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी पर्ल क्लेंजिंग जेल। इसका जेल बेस्ड फॉर्मूला बहुत जल्दी खुल जाता है और मेरी स्किन को अंदर से साफ करता है। इसमें बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे विटामिन B3 और पर्ल एसेंस, जो मेरी स्किन को खिला खिला बनाती हैं। चेहरे को धोने के बाद मैंने उस पर मॉइस्चराइजर लगाया और इसके लिए पॉन्ड्स सिल्क क्रीम का इस्तेमाल किया। ये बहुत अच्छा लाइट वेट मॉइस्चराइजर है। ये मेरी स्किन में बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है और नर्म मुलायम एहसास देता है।